प्राची ने मार दिया रणबीर को 100 से तमाचा और रणबीर ने तोड़ दिए प्राची से अपने सारे रिश्ते और हो गए प्राची रणबीर दोनों हमेशा के लिए अलग। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में सिद्धार्थ और प्राची होटल के कमरे में बेहोशी के गैस के बीच होंगे। उसी कमरे में और कोई नहीं बल्कि आलिया भी होगी, जहाँ पर जब प्राची एक पल के लिए शीशे में आलिया को देख लेगी तभी अचानक से प्राची बेहोश हो जाएगी और आलिया सिद्धार्थ और प्राची को दोनों को बेड पर सुला देगी और उसी वक्त वहाँ पर रिया रणबीर को लेकर प्राची सिद्धार्थ के कमरे में आ जाएगी और रणबीर सिद्धार्थ और प्राची को दोनों को एक साथ एक बेड पर सोते हुए देख पूरी तरह से हिल जाएगा और यह इमोशनल नाटक करती हुई कहेगी कि देखो मैंने तुमसे कई बार कहा था कि सिद्धार्थ और प्राची के बीच में कुछ चल रहा है लेकिन तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया और अब तो यकीन हो गया ना। यह सुनकर रणबीर को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और रणबीर शोर से प्राची चिल्लाएगा और तभी प्राची और सिद्धार्थ की अचानक से आंख खुल जाएगी और जो जो कमरे में हुआ था ये बात प्राची रणबीर को कहने जा ही रही होगी और कहेगी कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। तब रणबीर गुस्से से कहेगा कि चुप रहो और तभी रिया इमोशनल नाटक करती हुई प्राची को कहेगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे पति के साथ चल रहा है, जिसे सुनकर प्राची को काफी बड़ा शॉक लगेगा और प्राची रिया को कहेगी कि ऐसा मैं करूंगी ही क्यों। तब रणबीर गुस्से से प्राची से सवाल पूछते हुए कहेगा कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है क्या नहीं। तब प्राची कहेगी कि तुम्हारे दिमाग में ये बात भरी ही किसने है, ऐसा कुछ नहीं है। तब प्राची कमरे में जो जो हुआ था ये सारी बातें रणबीर को कहेगी। तब बीच में रणबीर प्राची को कह देगा कि तुम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई थी। ये सुनकर प्राची को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और प्राची रणबीर को कहेगी कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तब रणबीर आंखों में आंसू लिए गुस्से से कहेगा कि लिमिट मैं क्रॉस कर रहा हूँ? अरे लिमिट तो तुमने क्रॉस की है, वो तो मैं पागल था इसीलिए अब तक मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता आ रहा था। ये सुनकर प्राची के होश उड़ जाएंगे और प्राची कसम खाकर कई बार समझाने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तब रणबीर गुस्से से कह देगा कि तुमने आज मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला है और आज से और अभी से हमारा रिश्ता खत्म। तब प्राची रणबीर को मनाने के लिए जब रणबीर को टच करेगी तब रणबीर गुस्से से कह देगा कि दूर रहो मुझसे, आइंदा से तुम अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। ये सुनकर प्राची रणबीर के सामने से गुस्से से चली जाएगी और रणबीर भी प्राची के पीछे पीछे गुस्से से जाएगा। जहाँ पर होटल में सभी के सामने जब रणबीर प्राची को रोकेगा और सबके सामने तमाशा खड़ा करते हुए प्राची को कहेगा कि जाओ जाओ अपने बॉयफ्रेंड अपने पति के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। तब प्राची गुस्से से रणबीर को जोर से तमाचा मार देगी और रणबीर को चिल्लाते हुए कहेगी कि रणबीर बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था और ना ही है। जिसे सुनकर रणबीर को काफी बड़ा शॉक लगेगा और रणबीर गुस्से से प्राची को कहेगा कि इस तमाचे को मैं याद रखूंगा और यह हमारी और हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। जिसे सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्राची रणबीर के सामने से चली जाएगी। लेकिन जब रणबीर को असली सच्चाई का पता चलेगा कि यह सब रिया की चाल थी तब रणबीर रिया को जोर से तमाचा मारेगा और प्राची से माफी मांगने के लिए जाएगा। लेकिन ये सब होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन रिया रणबीर प्राची को अलग कर देगी तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और प्राची को रणबीर को छोड़ देना चाहिए या नहीं और रणबीर प्राची की जोड़ी आपको कैसे लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।